नमस्कार दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने डरबन में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। पाकिस्तान से मिले 204 रनों के लक्ष्य को दक्षिण अफ्रीका ने 42 ओवर में 5 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पहला मुकाबला 5 विकेट से अपने नाम किया था। दूसरे वनडे मैच के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद विवादों में गिर गए हैं। सरफराज पर आरोप लगा है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत क्रिकेटर एंडेल फेलुकवायो पर नस्लीय टिप्पणी की और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। इस संबंध में सरफराज अहमद का मैच के दौरान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आईसीसी अगर सरफराज अहमद को नस्लीय टिप्पणी करने का दोषी पाता है तो उन पर कम से कम 4 टेस्ट या 8 वनडे मैचों का प्रतिबंध लग सकता है। ये पूरा मामला दक्षिण अफ्रीका की पारी के 37वें ओवर में हुआ। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर जब फेलुकवायो सिंगल दौड़ रहे थे तो विकेट के पीछे से सरफराज अहमद ने उनके लिए अभद्र और नस्लीय टिप्पणी की, जो स्टंप माइक में कैद हो गई और मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो में सुना जा सकता है कि सरफराज अहमद कहते हैं, अबे काले तेरी अम्मी आज कहां बैठी हैं, क्या पढ़वा के आया है आज। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा मैच में कमेंट्री कर रहे थे। जब साथी कमेंटेटर माइक हेजमैन ने उनसे इस लाइन का अनुवाद करने को कहा तो रमीज ने जवाब दिया, इसका ट्रांसलेशन काफी मुश्किल है, ये एक लंबा वाक्य है। हालांकि मैच अधिकारियों ने इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस घटना की पूरी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हो। दोस्तों, सरफराज अहमद की इस हरकत पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक 7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।